हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री क्योर बाय स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में एज यू ऑल नो करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो पिछले हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले इसरो एंड अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में कुछ हमें डेवलपमेंट सामने आई है हमारे, तो उसके बारे में जानते हैं। इसरो ने 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट किया है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को स्पेस एजुकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इनोवेशन हैं उनके बारे में बताएंगे, स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट। ठीक है, तो इसमें जो इसरो के साइंटिस्ट हैं दे वुड बी कोचिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स इन एडवांस्ड 21st सेंचुरी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो कि स्पेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज जो है स्पेसिफिकली इन द स्टेम कोर्सेज तो वो बताई जाएंगी, एंड स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, ऑप्टिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जो भी मटेरियल साइंसेस एट्सेट्रा। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग ने ऑलरेडी 7000 के अराउंड अटल टिंकरिंग लैब्स डेवलप की हैं इंडिया में, जिसमें 3 मिलियन स्टूडेंट्स जो नॉलेज है वो गेन कर रहे हैं, एंड ये जो स्टूडेंट्स हैं 6th से 12th क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो अब अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है विच इज़ रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम इनोवेशन को बढ़ावा दें, स्पेसिफिकली एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद वेरियस जो लेवल्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए गए हैं अटल इनोवेशन मिशन में। जैसे इसके मेजर इनिशिएटिव्स अगर हम देखें तो सबसे पहले अटल टिंकरिंग लैब्स आते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लेवल पर, स्कूल्स के लेवल पर काम कर रहे हैं, एंड दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट इन द स्टूडेंट्स। उसके बाद है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो ये जो हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये बनाए गए हैं स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, ताकि इंक्यूबेटर मॉडल को एक नई डायमेंशन दी जा सके। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा जोड़कर देखें तो स्टूडेंट्स को हम सिखा रहे हैं कि उनकी इनोवेशन जो स्किल्स हैं उनको हम बेसिकली नरिश कर रहे हैं, एंड उसके बाद वही स्टूडेंट्स आगे जाकर हो सकता है स्टार्टअप्स चलाएं, अपने या कोई कंपनी चलाएं, तो वो कंपनी भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए ना, तो उसको भी सपोर्ट करना है। तो वो सपोर्ट कौन दे रहा है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस हैं। तो इनका काम क्या है? ये मिनिस्ट्रीज एंड सेक्टर्स की जो नीड्स हैं उनके हिसाब से अलाइन कर रहे हैं जो भी इनोवेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको। इसके बाद मेंटर इंडिया कैंपेन है, तो इसमें एक पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा, मेंटर नेटवर्क बनाया जाएगा इन कलेबरेशन विद द पब्लिक सेक्टर, एंड जो कि इस मिशन को फाइनली आगे सपोर्ट करेगा। उसके बाद अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, तो इनका काम क्या है कि जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हैं या जो अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड एरियाज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन करना बेसिकली। ठीक है, एंड फाइनली अराइज, तो इसका काम क्या है? जो आपके माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करना एंड उनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। तो अटल इनोवेशन मिशन के हमने यहाँ पर मेजर इनिशिएटिव्स भी देख लिए। ठीक है जी, आगे 3D प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से US एंड इंडिया का एक थोड़ा कंपेरिजन सा आया था लाइव मिनट में, तो उसके बारे में नज़र डालते हैं। सो जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे 3D प्रिंटिंग, वो काफ़ी ज़्यादा अभी स्पीड पकड़ रही हैं, इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर जो अप्रोच पॉजिटिव है। तो लेकिन US एंड इंडियन फर्म्स में कुछ डिफरेंस पाया गया है। वो डिफरेंस क्या है? जो US फर्म्स हैं, ऑल्दो दे आर वेरी ईगर टू अक्वायर द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज, उनको टेक्नोलॉजीज अक्वायर तो करने की काफ़ी इच्छा है, लेकिन वो पैरेलली उतना उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अप्लाई नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फर्म्स जो हैं वो इनसे ज़्यादा जो अपने प्रोडक्ट्स हैं इन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द US वंस। तो इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं, वो भी इस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। सबसे पहले तो 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग में यूज़फुल है, किस लिए ये देखते हैं। सबसे पहले इट इम्प्रूव्स द सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आपकी मटेरियल वेस्टेज कम होती है एंड एनर्जी कम लगती है, प्रोडक्ट वेस्ट कम है देन द ट्रेडिशनल मेथड्स, ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, इट अलाउज़ मैन्युफैक्चरिंग टू बी डन ऑन डिमांड। तो क्योंकि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आपको पहले से ही जो पूरे रॉ मटेरियल्स वगैरह को तैयार करके रखना नहीं पड़ता, ऑन डिमांड आप प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली दे सकते हैं। तो इसी वजह से जो आपकी इन्वेंट्री स्टोरेज है वो भी उल्टा आपको कम चाहिए होगी इसमें। ठीक है, बट
हाई टैक्सेस हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे इंडिया में, एंड मोर ओवर इंडियंस जो हैं उनको अब्रॉड से ही मशीन्स या जो प्रिंटर्स आप बोल सकते हैं इस केस में, उनको शिप करना पड़ता है, तो इससे कस्टम्स ड्यूटीज एट्सेट्रा वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये थोड़ा हमारा जो लैक लस्टर है। उसके बाद जो इंडियन फर्म्स हैं वो 3D टेक्नोलॉजी को अप्लाई ज़्यादा कर रही हैं उसको प्रोडक्शन में एज़ कम्पेयर टू द US। इसके पीछे क्या है कि US ऑलरेडी काफ़ी आगे पहुंचा हुआ है अपनी प्रोडक्शन लेवल्स पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि जो US का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वो इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, तो उन्होंने ऑलरेडी उस एडवांस्ड लेवल की मशीन्स इंस्टॉल की हुई हैं। तो अब उनकी जो आप लगा लीजिए जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो इंडस्ट्रियल हेड्स हैं, दे आर रिलक्टेंट कि अभी कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पर इस वाली मशीनरी में इन्वेस्ट किया है, अब नाउ यू वांट अस टू इन्वेस्ट इन द 3D प्रिंटर्स। तो इसीलिए ये थोड़ा मसला है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना ज़्यादा एडवांस या अप टू डेटेड नहीं है। ऑलरेडी हम जब भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम क्रिटिसिज्म लिखते हैं तो वही लिखते हैं ना कि ऑब्सोलीट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं हम, है ना, और इसीलिए हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इंडियंस के लिए ये जो 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं इनको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि इंडियन जो फर्म्स हैं टेक्नोलॉजी फर्म्स, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन यूजिंग द 3D प्रिंटर्स फॉर द प्रोडक्शन सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस, एंड इसका इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र से क्या लिंक है इसको भी इस आर्टिकल में भी देखते हैं हम। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पंजाब में सिचुएटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है ये। इन्होंने रिसेंटली एक इलेक्ट्रॉन गैस बनाई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं क्वांटम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में एक डिवाइस में, एंड इससे क्या होगा आपकी जो डेटा स्टोरेज है वो बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, एंड मोरोवर जो स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है जी। तो अब इस पूरी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो कन्वेंशनल हम अभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज़ करते हैं उनको समझना होगा। तो जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करती हैं, बाइनरी सिस्टम भी काम करती हैं, है ना, कि जब करंट पास हो रहा है तो देन द वैल्यू इज़ 1, अगर करंट नहीं पास हो रहा तो द वैल्यू इज 0, एंड इसमें हम कैपेसिटर, सेमी कंडक्टर्स एट्सेट्रा ऐसी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो आने वाला टाइम है, अभी ऑल दो कुछ हद तक तो अभी हम यूज़ भी कर रहे हैं स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स को, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसमें क्या होता है, अगर आप थोड़ा रिकॉल करें, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, कुछ चार्ज है, एंड उसका कुछ स्पिन है, है ना, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड घूमते हैं जस्ट लाइक द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा तो मान लीजिए इसको हमने पॉजिटिव रख दिया, एंड अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा तो इसको हमने बोल दिया नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल इस साइड है एंड साउथ पोल इस साइड है, एंड इस दूसरी डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे, है ना। तो ये इसको जस्ट समझने के लिए ऐसा मान के चल रहे हैं प्रेजेंटली इसको, है ना। तो जो पिछला सिस्टम था वो प्लस एंड सॉरी 1 और 0 के ऊपर बाइनरी पर काम कर रहा था, ये जो नया सिस्टम है जिसको हम स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे हैं, इसमें जो स्टेटस होगा आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस एट्सेट्रा का वो पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब ज़्यादा इसकी साइंस में ना जाते हुए हमारा जो बेसिक एजेंडा है वो क्या है कि एट प्रेजेंट जो मान लीजिए आपका कंप्यूटर का रैम एट्सेट्रा है, अगर हम उससे जो भी ऑपरेशन करवाना है तो वो करंट की सप्लाई से डिपेंड कर रहा है ना, कि करंट उस पर्टिकुलर पार्ट में जब हम अलाउ कर रहे हैं तो वो पार्ट एक्शन में आ रहा है, या जो वेरियस उसके फंक्शंस हैं वो करंट की सप्लाई से हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो स्पिनट्रॉनिक्स होगा इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड जो है या जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है जो फाइनली रिजल्ट कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैनिपुलेट करके हम अपनी जो नई डिवाइसेस हैं उनको वर्किंग में लेकर आएंगे। एंड ये जो मैनिपुलेशन है विद द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं राशपा इफेक्ट। तो आई होप आपको जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कॉन्सेप्ट की, कि कैसे पहले जो करंट की पासिंग है वो डिपेंड कर रही है कि आपकी डिवाइस से हम क्या काम करवा रहे हैं वो होगा या नहीं, एंड ये जो स्पिनट्रॉनिक्स है इसमें हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन को मैनिपुलेट करके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैनिपुलेट करके वी आर मेकिंग द वर्क डन, ठीक है। सो जो ये हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस हमने बनाई है, इसको वैसे 2DEG भी बोलते हैं, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस। इसमें क्या है कि अदरवाइज जो हमारी 3 dimensions होती हैं तो इसमें 2 dimensions को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, कंट्रोल किया है, एंड एक ही डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको
हमने चलाने का जो मीडियम प्रोवाइड किया है. तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं करेंगे इनसाइड द मीडियम फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन उसका लॉस नहीं होगा. पहली बात तो ये. एंड दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो सिस्टम्स हैं दे कैन ईजिली रिमेंबर एंड ट्रांसफर इट्स मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिस्टेंस. अब ये क्यों चीज़ कैसे ये एविडेंट होती है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. मान लीजिए जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है इसमें जब आप इसको ऑन कर रहे हैं तो तभी आपके वेरियस जो लगा लीजिए हार्ड डिस्क में या फिर रैम में मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा उन सब में जब करंट जा रहा है तभी वो एक्शन में आ रहे हैं, तभी जो भी उनका फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है. लेकिन जो आपके ये वाले डिवाइसेस होंगे इसमें हमने एक बार जो पोलैरिटी सेट कर दी, मान लीजिए नॉर्थ एंड साउथ की जो भी पोलैरिटी, इलेक्ट्रॉन स्पिन की जो पोलैरिटी सेट कर दी, तो वो जब तक आप फ्यूचर में उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक वो वैसे ही रहेगा. तो इसीलिए लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग डिस्टेंस पर जो मेमोरी लॉस है वो नहीं होगा. एंड इन एडिशन टू दिस, सिंस दे कोलाइड लेस, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी एंड जो एनर्जी लॉस होता है हीटिंग की वजह से उसको भी हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे. सो ये जो डिवाइसेस हैं वो इजीली हीट अप भी नहीं होंगी. तो ये कुछ फ़ायदे हैं आपके इलेक्ट्रॉन मोबिल अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस के. एंड हमने देखा इसमें स्पिनट्रॉनिक्स का क्या रोल रहा है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. इबोला वैक्सीन स्टॉकपाइल की बात करते हैं. स्विट्जरलैंड में कुछ कंपनीज़ हैं, चार इंटरनेशनल हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से, नॉट कंपनीज दो, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम इबोला की जो वैक्सीन है उसका स्टॉकपाइल बना के रखेंगे स्विट्जरलैंड में. एंड एक हफ्ते के अंदर अंदर जहाँ कभी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी वील बी प्रोवाइडिंग द मेडिसिन. ठीक है, तो ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं कौन कौन सी हैं, दे आर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ एंड जो MSF जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी टर्म्स. इससे पहले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी आ चुका है आपके प्रिलिम्स में, तो बताना था ऐसा कुछ नाम सा लिखा हुआ था फ्रेंच नेम. ओके, तो इसमें जो गैवी है उनका जो आपकी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है तो उनका भी इसमें योगदान है, फाइनेंशियल सपोर्ट है उनकी. ठीक है, तो जो यूनिसेफ है वो इस ICG के यानी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप जो है इनके बेसिस पर पूरी मैनेजमेंट करेगा स्टॉक पाइलिंग की, है ना. एंड ऑलरेडी जो कॉलरा मेनिनजाइटिस एंड येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी यूनिसेफ मैनेज कर रहा है, तो उसके साथ साथ अभी इबोला की भी वैक्सीन मैनेज करेगा. तो इबोला वायरस डिजीज़ के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा. इसको पहले इबोला हेमोरेजिक फीवर बोला जाता था. हेमोरेजिक का मतलब क्या है कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है या फिर आपके नोज माउथ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन इबोला अकर्स. तो इबोला में बेसिकली क्या है कि जब ये वाली चीज़ें हो जाएंगी, मान लीजिए जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके बाद क्लॉटिंग नहीं हो पाती एंड जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है एंड फाइनली लॉस ऑफ ब्लड से लगा लीजिए या अदर रीजंस कोई और डिजीज़ होगा, तो उन सब की वजह से इट कैन इवन लीड टू डेथ. ठीक है, तो इबोला वायरस डिजीज़ जो है इट इज़ वेरी रेयर, रेयर डिजीज़ है, इतना ज़्यादा कॉमनली नहीं मिलता हमें. एंड इनफैक्ट वेस्ट अफ्रीका में लास्ट इसका जो आउटब्रेक है 2014-16 में देखा गया था, काफ़ी ख़राब हालत वाला वो आउटब्रेक था एंड इनफैक्ट लार्जेस्ट आउटब्रेक था जब से 1976 में पहली बार इबोला जो डिजीज जो वायरस है उसको डिस्कवर किया गया था. इबोला वायरस जो है अपना नाम कहाँ से लेता है, इबोला रिवर है वेस्ट अफ्रीका में ही. एंड आई वुड अप्रीशिएट अगर आप वो कंट्री बताएंगे जहाँ पर ये इबोला रिवर है, इससे आपकी थोड़ी ज्योग्राफी की भी रिविजन हो जाएगी, मैप्स वगैरह देख लीजिएगा. ठीक है, ओके, कमिंग बैक. इबोला वायरस फिलोविरिडे जो भी इसका नाम है प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, फैमिली उसको बिलोंग करता है. 6 स्पीशीज़ हैं इसकी, जिसमें से जो ज़ायर स्पीशीज़ है ये सबसे ज़्यादा इसका आउटब्रेक सबसे ज़्यादा देखा गया है पिछले टाइम्स में एंड जो वैक्सीन है वो भी इसी से रिलेटेड ही बनाई गई है. ठीक है, बाकी स्ट्रेन्स भी हैं, बाकी स्पीशीज़ भी हैं, लेकिन ज़ायर वाली सबसे ज़्यादा हमें कॉमनली मिलती है. एंड फ्रूट बैट्स जो हैं इसका नेचुरल होस्ट है इबोला वायरस का. एंड जो ये वायरस है ये वाइल्ड एनिमल से लोगों को ट्रांसमिट होता है एंड इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी है, बॉडी फ्लूइड्स की थ्रू लगा लीजिए आप या वेरियस अदर तरीकों से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो जाता है ट्रांसफर ह्यूमन टू ह्यूमन. दैट इज़ वाई इतना बड़ा जो आउटब्रेक वगैरह भी हुआ इसका. एंड
पर्सन इन्फेक्टेड विद इबोला कैनॉट स्प्रेड द डिजीज़ अंटिल जो सिम्टम्स डेवलप नहीं होते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप इसका डायरेक्ट कंपेरिजन करें आपके कोविड 19 से, तो वहाँ पर सिम्टम्स डेवलप हुए बिना भी जो वायरस है वो ट्रांसफ़र हो रहा था, बट इबोला के केस में ऐसा नहीं होता. तो ऐसे ना कंपेरेटिव एनालिसिस भी आपको डिजीज़ का करते रहना है, स्पेसिफिकली टू कोविड 19, क्योंकि ये तो इतना बड़ा पैंडेमिक रहा है अभी, है ना. ओके, तो 2014-16 में जैसे मैंने पहले बताया इसका लार्जेस्ट आउटब्रेक हुआ था वेस्ट अफ्रीका में. एंड इसकी जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन का नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो फाइज़र की वैक्सीन है कोविड 19 की, उसका भी कुछ ऐसा वर्बल ऐसे डिजिटल सा नाम सही है. अदरवाइज़ जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली थी एस्ट्राजेनिका, उसका नाम कोविशील्ड है ना, और जो भारत बायोटेक की है उसका नाम कोवैक्सिन है. तो इसका नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कई बार ऑप्शंस में दिया जा सकता है, तो यू माइट नो दैट, है ना. ओके, सिंगल डोज इंजेक्टेबल एंड लाइव वैक्सीन है ये, एंड इसी को बनाकर स्टोर करने की, स्टॉकपाइल करने की बात कर रही हैं वो चार कंपनीज, ठीक है जी. ओके, एंड एक और जो कंपैरिजन इसका हम देखें विद कोविड 19, तो कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसको उसमें बोला गया है कि प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वेमेन को एडमिनिस्टर नहीं करनी, बट जो इबोला की वैक्सीन है इसको बोला गया है कि जनरल पब्लिक, जैसे जनरल पॉपुलेशन को दी जाती है वैसे ही प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वेमेन को भी ये दी जा सकती हैं, ठीक है जी. सो ये कुछ चीज़ें रही हमारे आज के प्रीक्योर में. आई होप आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी. हमने इसरो एंड अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में देखा, अटल इनोवेशन मिशन के जो 6 इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में देखा, है ना. उसके बाद 3D प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है US एंड इंडिया की अप्रोच में, उसको देखा कैसे जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो अप्रोच कर रही हैं इसको. एंड देन वी स्टडीड अबाउट द अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस एंड इसकी फ्यूचर की जो इम्प्लीकेशंस होंगी आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की. राशबा इफेक्ट पड़ा, है ना, और उसके बाद कैसे पोलैरिटी से एंड स्पिन से हम चीज़ों को डिफाइन करने वाले हैं आने वाले टाइम से. एंड देन वी स्टडीड अबाउट द इबोला वैक्सीन एंड जो इबोला वायरस डिजीज़ है इसके बारे में जाना, एंड थोड़ा सा इसका कंपेरिजन किया हमने विद कोविड 19. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.